तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। उससे पहले हम डेटा को देखते हैं। डेटा क्या है? तो बेसिकली मेरे पास डेटा है कि नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और डेट। डेट 2021 और 2022 23 तक का डेट है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर मंथ का टोटल कैसे निकाले। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जैन का टोटल, तो जैन का टोटल कैसे निकलेगा? तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक, हम इस डेटा के अंदर टेक्स्ट फॉर्मूले को लगाएंगे और इसमें से मंथ अलग कर देंगे, या मंथ फॉर्म टेक्स्ट फॉर्मूले लगेंगे, एमएम करना पड़ेगा इसमें, एमएम, क्योंकि हमारा मंथ जो है यहाँ नंबर में नहीं है, किसमें है? टेक्स्ट में, एबीसीटी में, जैन 5 इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ सिंपल सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कि क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज एंड हमारा सम रेंज क्वांटिटी है, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए 177717 आ गया। बट आपको डेटा के अंदर किसी भी चीज को चेंज करने की परमिशन नहीं है। आप डेटा में कोई भी तरह का एडिशन नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे? तब मुझे जैन का टोटल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/n% जैन और n% 2022, और फिर ईओ मंथ लगाएंगे और इसका एंड डेट निकाल लेंगे। तो मेरे पास स्टार्ट डेट एंड डेट अवेलेबल है। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका? सम इफ्स का, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन हो गया इसलिए सम इफ्स। अब इसमें सिलेक्ट करूंगा अपनी क्वांट रेंज, किस रेंज किसको सम करना है, तो क्वांटिटी को सम करना है। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया वन, पहली क्राइटेरिया क्या है? तो पहली क्राइटेरिया है हमारा डेट की कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और क्राइटेरिया क्योंकि एक जैन सिलेक्ट कर लूंगा तो सिर्फ एक जैन का ही टोटल दिखेगा, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के एन परसेंट का साइन देते हैं और इस जिन को ले लेते हैं। मतलब कि मैं ग्रेटर देन 1 जनवरी 2022 लिख दिया। उसके बाद वापस डेट को सिलेक्ट करते हैं दूसरी क्राइटेरिया के लिए। इसमें मैं इन्वर्टर कॉमा के अंदर लेस देन इक्वल टू लगा के फिर हमने एंड डेट को सिलेक्ट कर लिया। तो हमने क्राइटेरिया डाला कि ई कॉलन में ग्रेटर देन 1 जनवरी, ई कॉलन में लेस देन 31 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की डेटा आ जाएगी आपके सामने, वो भी 2022 की या 2021 की, जो भी आप ईयर इसके अंदर सिलेक्ट करते हैं। 2021 है तो इसमें आप 2021 कर दीजिए, 2021 आ जाएगा। तो आप समझ में, इस ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? किसी को डाउट है इसमें? तो उसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट से अलग अलग आ रहे हैं। सर उसका रिजल्ट अलग अलग आया क्योंकि वो 21 22 दोनों का टोटल लिया था ना सर। अच्छा, इसी 21 का, वो सिर्फ जैन को लेके चला था ना, जैन में क्या ईयर थोड़ी था कि कौन सा साल का जैन है। समझ गए? आपको दिक्कत है? अंकित जी, अनिकेत जी, सॉरी अमित जी, अनिकेत जी और महेंद्र जी आगे बढ़े क्या? एन किस पे लगाया आपने फॉर्मूला में? एन किस पे लगाया नहीं समझ पाया क्या बोला आपने? फॉर्मूला में जो एंड का साइन मैंने लगाया है वो किस पे लगाया आपने? ज्वाइन करने के लिए सर। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 50 का टोटल चाहिए सारा, तो आप क्या करेंगे? सम इफ में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे, आ गया सम। बट मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में कि जैसे 60 है, 80 है, 90 है,
अब सब में जाके आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना पॉसिबल तो नहीं ना है सर। ऐसे अगर मान लीजिए 100 डेटा है तो क्या किया था हमने, हमने किया था सम इफ का फॉर्मूला लगाया था, इसको सेलेक्ट किया था और हम यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन कर लिया एन परसेंट कर दिया इसको। तो एन परसेंट क्या करता है बताया आपको सर, क्या करता है एन परसेंट? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा, यहाँ पे कुमार लिखा, अब मैंने यहाँ पे इक्वल इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट इसको सेलेक्ट किया, एंटर मारने पे क्या आएगा? दोनों का रिजल्ट आएगा, सुजीत कुमार आ जाएगा, ज्वाइन कर देगा। ये मैंने आपको बताया था ना टेक्स्ट की क्लासेस में, भूल गए? तो यहाँ भी अगर हम यहाँ अगर हम एन परसेंट लगाए हैं तो क्या करेगा, डेट के आगे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन जोड़ देगा जैसे कि यहाँ है, समझे? अब समझ में आ गया ना सर? अब चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मेरे पास चार क्वेश्चंस है जिसमें से मैं एक को सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आपको सॉल्व करना है। मतलब कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं, यहाँ पे सिटी लिखूं, ईयर लिखूं, मुझे मंथ वाइज क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज निकलना चाहिए। बट यहाँ पे मैं मंथ जैन फेब के हिसाब से है, बट डेटा में हमारा डेट है, तो मंथ की टोटल निकालने के लिए ये जो कंसेप्ट हमने अपनाया है इसी कंसेप्ट को अपनाना। तो मैं यहाँ बगल में बनाता हूँ डेट कि वन डैश इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट जैन अगेन एन परसेंट डैश दिया वापस एन परसेंट ईयर ले लिया, एक जैन 2021 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2022 डालूंगा तो 22 आ जाएगा, 21 डालूंगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है सर? और एंड डेट निकालने के लिए तो हमें पता ही है कि हम ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉमा जीरो कर दीजिए, एंड डेट निकल गया। अब जो जब अब मैं यहाँ पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ्स सबसे पहले बोला है सम रेंज, किसको सम करना है? हमने बोला क्वांटिटी को सम करना है। बोला क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया क्या है? तो नेम को ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है नेम? तो समरी में ही हमारा B1 है। फिर कॉमा हम डेट पे गए, डेटा पे गए और बोला क्राइटेरिया टू क्या है? तो क्राइटेरिया टू ए रहा। और दूसरी क्राइटेरिया किसको देखनी है? तो हमने बोला पुणे को देखनी है। अब तीसरी क्राइटेरिया में बिटवीन डेट्स है, ईयर नहीं है, बिटवीन डेट्स है, तो डेट वाले कॉलम को लिए और यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू एन परसेंट के साथ हमने पहली डेट को सिलेक्ट कर ली। फिर वापस डेट में गया, दूसरे को किया, दूसरी बार सिलेक्ट किया डेट को और फिर लेस देन इक्वल टू के साथ हमने एंड डेट जो हमने ईओ मंथ से निकाला है उसको देख लिया, उसको लगा दिया। अब एंटर मारते हैं, रिजल्ट 74 आ गया। अगर 2021 करता हूँ, 21 था 22 तो जीरो, 2022 में नहीं है। तो पूजा पुणे और जैन एक बार देख लेते हैं फिल्टर लगा के। पूजा को सेलेक्ट कर लिया, अब बात सही है, एक ही है ना क्या सर? इसमें एक काम करते हैं, सुनील को सेलेक्ट करते हैं। रवि को करते हैं, रवि का 109 है पुणे में, नोएडा लिखते हैं, नोएडा में 103।
ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? अब ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, ज्यादा इसमें पीछे ये है कि समरी का सीट लगा, समरी सीट लग गया है ना सब में, तो जब क्लिक करते हैं तो सीट आपका एक्टिव सीट का भी नेम ले लेता है, तो आप इसको डिलीट करके हटा दो ताकि फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाए। समझिए सर, सर अगर समरी हटाएंगे तो उसमें रेफरेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं एक्टिव आएगा? एक्टिव सीट, एक्टिव सीट पे नहीं होता है। हाँ, डेटा सीट का हटा दोगे तो दिक्कत, तो इसी सीट का ले लेना, बट समरी सीट पे ही फॉर्मूला लगा है, समरी का लगा हुआ है तो हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी हटा सकते उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटाने के बाद क्या फॉर्मूला आपका छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मर्ज की, क्योंकि हमने कई सारे शेयर को यहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते ना, तो सबसे पहले इस कंबाइन की गई डेट उठाते हैं और कहाँ रख देते हैं, ईओ मंथ के अंदर, क्योंकि यहाँ भी तो D18 सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारा D8 है, उसके जगह ब्रैकेट में डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ब्रैकेट में हमें फॉर्मूला अपना डाल देते हैं जो कंबाइन किए हैं। फिर ईओ मंथ वाला फॉर्मूला को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ ईओ मंथ है वहाँ डाल देते हैं, तो ई8 है जहाँ पे वहाँ डाल देते हैं। अब जो है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ या फिर रहने देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, इसमें मर्ज जो हमने ए फ्रीज नहीं किया हुआ है ना, जैसे मुझे इसमें यहाँ से यहाँ पे खींचे B2 को फ्रीज करना है, क्योंकि तो B2 फिक्स है, हमारा रवि फिक्स है, B3 हमारा सिटी फिक्स है, उसके बाद A8 का हमारा ए फ्रीज कर दीजिए, या B4 है B4 फ्रीज कीजिए, यहाँ भी B4 फ्रीज कर दीजिए, A8 का ए फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम ड्रैग होगा तो ए बी नहीं बनेगा। सर ये जब फ्रीज करते हो ये डॉलर रेखा लगाते हो या सर F4 करते हो? सिंगल डॉलर लगाना हो तो मैनुअली लगाना पड़ता है, जैसे A8 का जो A8 के सामने एक और मैंने नॉर्मली लगाया है और इस समय F4 कर दिया है, अच्छा दोनों तरफ लगाना है तो F4 कर दीजिए। अब इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए, आ गया रिजल्ट सर। अब मैंने जैसे बताया था कि सम ए और एवरेज ए बोथ आर द सेम, बस फॉर्मूला का नाम चेंज हो जाता है, तो यहां पे एवरेज ईफ डाल दीजिए आपका, बाकी सब ठीक है। एवरेज ईफ्स करना था, माफ कीजिए। हाँ, अब इसको भी नीचे ड्रैग कर दीजिए, हो गया सर। सर अब इसकी इसको रेफरेंस में लेते हुए, फाइल में आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, इसको रेफरेंस में लेते हुए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टोटल निकालना है सिटी वाइज, इसका क्वांटिटी का और एमआरपी का एवरेज। यहाँ पे हम डेट डालेंगे और यहाँ स्टार्ट मंथ या एंड मंथ, जनवरी जैन से लेके मई तक का टोटल चाहिए। यहाँ तो हमने जैन डाल दिया सिर्फ एक महीने का था, बट यहाँ पे बिटवीन मंथ का है। उसके बाद मैं यहाँ ईयर डालूंगा, मुझे यहाँ पे उस ईयर का क्वार्टरली टोटल चाहिए, और मैं यहाँ पे ईयर और मंथ डालूंगा उसके वीकली सेल चाहिए। अब आप लोग इसको कीजिए ट्राई, और ट्राई करने के बाद मुझे भेजिए।